हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। भारत में पांच तरह से नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ हैं और भारत की नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत प्राप्त होती है, ना कि आर्टिकल 5 के तहत। और इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कई बार संशोधन हो चुका है। इसमें सबसे पहले 1986 में हुआ था, उसके बाद 1992 में, और इसका लेटेस्ट संशोधन 2019 में हुआ था, जो CAA आया था, जिसको लेकर देश में बहुत ही बवाल हुआ था। तो इसको CAA और NRC को हम लोग बाद में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग ये समझते हैं कि भारत के नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें है, पांच विधि में से सबसे पहला आपका ये है कि जन्म के आधार पे कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्मा हो तो वो भारत की नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। और इसका बहुत ही मिसयूज होने लगा, क्योंकि अगर कहीं कोई भी देश से आदमी आता और यहाँ पर अगर उसका बच्चा जन्मा तो वो भारत का नागरिकता ले सकता था। इसी को देखते हुए इसमें सबसे पहला संशोधन 1986 में हुआ था, जब ये बोला गया कि कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक तभी कहलाएगा जब उसके माता और पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। तो ये था आपका फर्स्ट, जन्म के आधार पे। सेकंड है वंश के आधार पे। मान लीजिए कि भारत का कोई भी लड़का जो भारत में है और दूसरे देश गया और वहाँ के काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और वहाँ ही उसका शादी हो गया, तो वहाँ की लड़की से ही क्या हो गया, उसका शादी हो गया, तो अब उसका जो बच्चा होगा क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? तो हाँ, उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। किसके आधार पे? तो उसके पापा के आधार पे, क्योंकि उसके पापा क्या है, इंडियन है, तो उसके पापा के आधार पे उसको क्या होगा, भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। जैसे मैं देखिए, शिखर धवन का शादी कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की लड़की से हुआ है, तो उनके जो बच्चे होंगे तो उनके बच्चे को भारत की नागरिकता दिया जाएगा, क्योंकि शिखर धवन कहाँ के हैं, इंडियन नागरिक हैं। इसी के आधार पे उनके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड, वंश के आधार पे। थर्ड आपका है कि रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, आप पंजीकरण करा के भी भारत की नागरिकता ले सकते हो। इसमें यह है कि अगर आप भारत में लगातार 7 साल से रह रहे हो तो आप भारत के नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो गृह मंत्रालय में, ठीक है, क्योंकि भारत की नागरिकता का सारा कार्यभार कौन देखता है, गृह मंत्रालय ही देखता है। तो आप अगर लगातार 7 साल तक भारत में रह रहे होइएगा तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है, एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप निर्भर करता है गृह मंत्रालय पे कि वो आपको उसका नागरिकता दे या ना दे। तो ये था आपका थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में कितना साल मिनिमम रहना होगा, तो 7 ईयर्स। ये था आपका थर्ड। अब देखिए चौथा आपका देशीकरण से, कोई भी व्यक्ति जो भारत का कोई भी एक भाषा जानता हो और भारत के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखता हो, यानी पॉजिटिव सोच रखता हो, और वो भारत में लगातार 10 साल से रह रहा हो तथा विज्ञान और कला में क्या हो, निपुण हो, तो उस आदमी को भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। किस आधार पे? तो देशीकरण के आधार पे। और ये एक अच्छा भी चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी मान लीजिए साइंटिस्ट 10 साल से इंडिया में रह रहा है और इंडिया उसको अच्छा लगा और इंडिया का नागरिक बनना चाहता हो, तो उसको क्या होगा, अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ इंडिया का वैज्ञानिक बन जाएगा और इंडिया के प्रोग्रेस में क्या होगा, फायदा होगा। तो इस तरह से आप अगर कोई भी कला और विज्ञान में निपुण है और 10 साल से भारत में रह रहा है और भारत के कोई भी एक भाषा को जानता है, तो उसको क्या किया जाता है, भारत की नागरिकता दे दिया जाता है। किस आधार पे? तो देशीकरण के आधार पे। और इसका लास्ट ये है कि अर्जित भूमि। देखिए अगर इंडिया मान लीजिए कोई भी देश को भारत में मिलाता है तो वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। किसके आधार पे? तो अर्जित भूमि के आधार पे, क्योंकि भारत क्या किया, उस देश को भारत में मिलाया है, तो भारत उस देश को क्या करेगा, अपना नागरिक भी बनाएगा, ठीक है। और इसके आधार पे सिक्किम, जो पहले एक देश था जो 1976 में परमानेंट राज्य बना 22वां भारत का, उसको उसके सभी नागरिक को भारत की नागरिकता दे दिया गया था इसी के आधार पे, अर्जित भूमि के आधार पे। तो ये था आपका नागरिकता प्राप्त करने की पांच विधियाँ। देखिए बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, पहला क्या है, जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से, और पांचवा अर्जित भूमि, जिसमें सिक्किम को दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि NRI क्या होता है। देखिए कोई भी इंडियन नागरिक विदेश अगर 6 महीना से ज़्यादा घूम रहा है या 6 महीना से ज़्यादा नौकरी कर रहा है, तो वही
क्या कहलाएगा, NRI कहलाता है। यानी कोई भी आदमी जो विदेश गया हो और 6 महीना से अधिक वहाँ पे रहा हो, घूम रहा हो या नौकरी कर रहा हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, NRI बोला जाएगा।